अलवर के महिला एवं शिशु अस्पताल में एक नवजात जीवित बालिका को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन बच्ची जिंदा थी। परिजनों को बच्ची में कुछ हलचल नजर आई तो परिजन बच्ची को निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां उसका इलाज चल रहा है। अलवर के शिशु अस्पताल में घोर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अलवर जिले के एक गाँव से दो दिन पूर्व प्रसव के लिए एक महिला को भर्ती कराया गया था। आज गुरुवार को सुबह करीब 4 बजे महिला ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची प्री मैच्योर थी, लेकिन स्टाफ नर्स हेमलता ने परिजनों को बताया कि बच्ची मृत पैदा हुई है, उसे ले जाओ, और एडमिट कार्ड पर भी बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बच्ची की सांसें चल रही थी। बच्ची की मौत की खबर से परिजन सन्न रह गए, लेकिन कुछ ही देर में बच्ची में हलचल नजर आई तो परिजन बच्ची को लेकर निजी अस्पताल लेकर भागे, जहां उसे भर्ती कराया गया और इलाज चल रहा है। जिंदा बच्ची को मृत घोषित कर पल्ला झाड़ लेना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। बच्ची को ढंग से देखा नहीं गया, अगर देखा होता तो स्टाफ को भी कुछ हलचल बच्ची में नजर आती, लेकिन स्टाफ नर्स 8 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर चली गई और एडमिट कार्ड में मृत लिख दिया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि स्टाफ नर्स ने बताया कि उसे देखने से लगा था कि बच्ची मृत है और उसने उसे मृत बता दिया। आज सुबह परिजनों से मतलब मौखिक रूप से ही शिकायत मिली कैसे कि हमारे बच्चा तो जीवित पैदा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने तो उसको मृत शोक कर रखा है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने टिकट मंगाई उसकी, जो उसका भर्ती टिकट था तो उसमें मृत लिखा हुआ था, और उसको डॉक्टर ने रात में 2:30 बजे देखा है। उस समय उसका शुरुआत हो गई थी दर्द चलने की और बच्चादानी का मुँह खुलने लगा था, और 4 बजे उसको लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया था, और सुबह 6:30 बजे वो अबॉर्ट हो गई थी। और फीमेल बच्ची थी, लड़की थी, जो जिसमें कि वजन उन्होंने टिकट के हिसाब से 350 ग्राम दर्ज करा हुआ था। इसके उपरांत मैंने जो रात में जिस स्टाफ ने उसको डिलीवरी करवाई थी या सुबह जो अब उसको अटेंड करा था जिस केस में जो जिस स्टाफ ने, क्या नाम था सर उनका, वो हेमलता शर्मा सिस्टर थी, तो उनसे मैंने बात करी तुरंत कि भाई उसके परिजन तो बता रहे थे बच्चा जीवित है और आपने इसमें लिख रखा है कि मृत है, तो उसने ये कहा कि सर मुझे तो मृत जैसा ही महसूस हुआ था, मृत लगा मुझे और मैंने उनको दे दिया। उसके बाद के 8 बजे तक मैं ड्यूटी पे थी, उसके बाद मुझे उनके परिजनों ने कोई सूचना दी नहीं, तो फिर मैंने ये कहा कि भाई अगर आपको किसी को दिखाया नहीं देखा कि ना मुझे मृत महसूस हुआ, और इसलिए उनको मैंने दे दिया तुरंत, और उसके बाद मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है, और मैं अपने ड्यूटी से 8 बजे बाद ओवर होकर चली गई। बच्चे क्या, बच्चा जीवित है लेकिन बहुत ही अर्धविकसित, जो मैंने देखा है अर्धविकसित भ्रूण है, सांस भी ले रहा है, उसकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है काफ़ी कम है, वैसे कंडीशन बड़ी सीरियस है। अब पीडियाट्रिशियन जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। वो सुबह 4 बजे लड़की हुई थी तो डॉक्टरों ने और नर्सिंग स्टाफ ने हमें बताया कि लड़की मृत घोषित है। कौन सा हॉस्पिटल भर्ती? जनाना हॉस्पिटल अलवर। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने हमसे साइन करवा लिया फाइल के अंदर कि भाई तुम्हारी बच्ची को तुम ले जा सकते हो, ये मृत पैदा हुई है। उसके बाद में हमारे जो लेडीज, उसने हमारे पास कॉल किया था कि भाई बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद में बच्ची है उसकी रोने की आवाज़ सुनाई थी, तो हम सारे के सारे वहाँ पे गए थे। स्टाफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है। फिर उसके बाद में हम इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आए, वहाँ पे भी हमने डॉक्टर और स्टाफ को बताया, पर वो तो एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मृत्यु पैदा हुई है, ये अबॉर्ट करके निकाला है बच्ची को। कौन बोल रहे थे? नर्सिंग स्टाफ ने भी यही बोला था और डॉक्टर टेकचंद से बात हुई थी हमारी। अच्छा, तो उन्होंने यही जवाब दिया था। अच्छा, फिर हम लेके सेठी हॉस्पिटल आए थे। अच्छा, अब सेठी हॉस्पिटल में हमने 9:45 बजे एडमिट करवाई है, तो जब ही से बच्ची बिल्कुल ठीक है।